नमस्कार साथियों, आज आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत विकास परिषद की संस्कार शाखा जो कि मेरठ में है। जैसा कि मुझे ज्ञात है, इसके अध्यक्ष श्री अमरीश गुप्ता जी, शाखा सचिव मुकेश चंद गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष उमेश कुमार एवं महिला संयोजिका श्रीमती नीरज अग्रवाल। आज दिनांक 7/4/2023 को हम दोनों ने, मैं स्वयं यतीन कुमार शर्मा एवं मेरी पत्नी श्रीमती नीरू शर्मा ने उपरोक्त भारत विकास परिषद की संस्कार शाखा मेरठ को ज्वाइन किया है। आज इस शाखा में हमारा पहला दिन है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने नए स्कूल जाता है और उसके स्कूल का पहला दिन होता है, और ठीक इसी प्रकार ये हमारा पहला दिन है। और आप इत्तेफाक भी देखिए कि यह कार्यक्रम भी एक स्कूल इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज शास्त्री नगर में हो रहा है। यह एक नए एहसास का हमें अनुभव हो रहा है। आज हमारा पहला दिन जरूर है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है हमें। इस शाखा की नव निर्वाचित का ये जो दायित्व बोध पत्र आपको दिया गया है, ये कृपया आप बाद में भर लें। अभी फिलहाल मैं बोलूंगा और आप मुझे पीछे पीछे मेरा अनुसरण करेंगे। मैं के बाद अपना नाम लेना है। भारत विकास कार्यकारिणी के प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्य द्वारा ऐसा महसूस कराया गया है कि जिस प्रकार एक मित्रता एवं दोस्ती के माहौल का अनुभव होता है, प्रत्येक ने दोस्ती का हाथ हमारी तरफ बढ़ाया है और यह कहने को मजबूर कर दिया है कि न जाने क्यों मेरी आंखों में आ गए आंसू, न जाने क्यों मेरी आंखों में आ गए आंसू, किसी ने हाथ बढ़ाया था दोस्ती के लिए। जितना भी समय इस कार्यक्रम में हम रहे, हमें अपनापन का एहसास हुआ है। और मैं आज के संयोजक श्री राकेश गोयल जी और अरविंद गुप्ता जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आप आए और उनका अपने शाखा सदस्यों की यही हार्दिक अभिलाषा है, ईश्वर सदैव आपकी मनोकामना पूरी करें। आज सर्वोच्च सम्मान ग्रहण करने पर शाखा आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित है। शाखा आपकी दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। डॉक्टर एस के अग्रवाल, संस्थापक संरक्षक, अमरीश गुप्ता, ये आप लोग बहुत होशियार है सारे लोग, आपने मुझको ये पहचान दी है। ये पहले ही हमारा जब जो हमारे मेरे प्रेरणा स्रोत संरक्षक महोदय हैं, उन्होंने तो पता नहीं कब से इस पर अपनी नजर लगा रखी होगी, 12 साल और 13 साल की उम्र भी, कि वो आज ये जिम्मेदारी मुझको देंगे।
हम अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि हमने इस शाखा को ज्वाइन किया, और अफसोस भी हो रहा है कि इससे पहले इस शाखा को हमने ज्वाइन क्यों नहीं किया, जो हम इतने अच्छे लोगों का साथ पाने से वंचित रहे। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती नीरज अग्रवाल जी का, जिन्होंने हमें इस शाखा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया तथा इतने सभ्य लोगों से हमारी मुलाकात करवाई। इसी कड़ी में अपने वर्तमान कोषाध्यक्ष उमेश कुमार जी, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम इस शाखा से बहुत कुछ सीखेंगे तथा जन सेवा के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देने का प्रयास करेंगे। प्रथम दिन की सुखद यादों को समेट कर रखने के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है, जिससे आज की यादें हमारे जीवन में बनी रहें और आज के दिन का एहसास हमारे जीवन में भी बना रहे। और अंत में मैं इस शाखा के प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्य को धन्यवाद देता हूं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार साथियों।